हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमित, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर विद अमित का एक नया एपिसोड। और आज हम चलेंगे फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी हम लाल बत्ती वाले चौराहे पे हैं, और यहां से हम चलेंगे महानगर के लिए एंड आपको दिखाएंगे पूरा और ट्रैफिक की क्या कंडीशन है। आज हमारी 5th of July है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये वीडियो। देखिए, आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है, तो ये देख सकते हैं आप कितना ट्रैफिक है। और ये लाल बत्ती चौराहा है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और आज मंडे से हमारा यहाँ पे लखनऊ में मल्टीप्लेक्सेस और सब कुछ खुल गया है, तो वो भी आप देख सकते हैं, तो उसकी वजह से भी थोड़ी सी और भी रिलैक्सेशंस हो गए हैं कोविड के जो प्रोटोकॉल्स थे उसमें। तो आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं VVIP गेस्ट हाउस, और यहाँ पे भी गाड़ियों की पार्किंग और बाकी सब चीज़ें हैं। VVIP गेस्ट हाउस है, एंड स्ट्रेट हम इस रोड पे जाएंगे तो हम जा सकते हैं गोमती नगर के लिए। राइट साइड में हमारे लॉरेटो था, वो निकल गया, तो अभी आगे आपको दिखाते हैं। यहाँ से मैं लेफ्ट लूंगा फ्रेंड्स, और चलूंगा हजरतगंज होते हुए महानगर और निषादगंज के लिए। तो आइए देखते हैं। राउंड अबाउट टेक द सेकंड एग्जिट ऑन टू NH27। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, स्ट्रेट आप जाएंगे तो मुख्यमंत्री आवास के लिए जा सकते हैं उधर से, और हम यहाँ से लेफ्ट ले लिए हजरतगंज के लिए। तो आगे हमारा राजभवन है, और मेक अ शार्प राइट टर्न इन 900 मीटर्स कीप राइट ऑन टू अशोक मार्ग टुवर्ड्स निशांतगंज। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने सेट किया हुआ है लोकेशन, तो ये राजभवन है लेफ्ट साइड में, ये देखिए। ये देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियां पार्कड हैं इस तरीके से। लोक निर्माण विभाग जो अपना ऑफिस है PWD का इधर, तो वहाँ पे काफी गाड़ियां आप देख सकते हैं रोड पे पार्कड हैं, एंड इसकी वजह से जाम भी लगता है। और ये तो गवर्नमेंट व्हीकल्स हैं, बट आई डोंट नो क्यों इस तरीके से पार्कड हैं। लेफ्ट साइड में एक और गेट है हमारा। 500 मीटर्स कीप राइट ऑन टू अशोक मार्ग टुवर्ड्स निशांतगंज। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सामने कितना ज्यादा ट्रैफिक है। ये हमारा GPO से पहले वाला चौराहा है, और राइट साइड में आप देख सकते हैं कार्वी की बिल्डिंग है, और उसके आगे हमारा आर्यंस है, आर्यंस रेस्टोरेंट। तो चलिए देखते हैं आगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं आर्यन के बाद वाला जो पिज़्ज़ा हट वाला जो चौराहा है, ये देखिए। यहाँ से लेफ्ट साइड आप जाएंगे तो विधानसभा की तरफ जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कितना ट्रैफिक है यहाँ पे, और लेफ्ट साइड में GPO है, ये देख सकते हैं आप GPO का गेट है। तो और स्ट्रेट हम जाएंगे निषादगंज के लिए, आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा जाम लगा हुआ है, काफी यहां से लेकर पूरा हजरतगंज चौराहे तक का जाम लगा हुआ है, और बहुत ज्यादा कंजेशन है। जैसे ही आप देख रहे हैं लॉकडाउन खुलता जा रहा है, वैसे वैसे रोड्स पे एकदम कंजेशन बहुत ज्यादा होता जा रहा है। और थोड़ा सा प्रॉब्लम इसलिए भी है कि लोग ट्रैफिक का रूल्स प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। और अभी पीछे मैं कैंट में, मैंने आपको अभी जब हम लोग आ रहे थे, तो काफ़ी लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, लाइट्स को नहीं ध्यान से देख रहे हैं, एंड यहाँ पे तो जाम लग ही रहा है। खैर आप देख सकते हैं, बट पीछे में थोड़ा सा लाइट की वजह से भी प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स हम यहाँ से राइट लेंगे हजरतगंज चौराहा, आप देख सकते हैं अटल चौक, एंड हम यहाँ से राइट अशोक मार्ग की तरफ जाएंगे। फ्रेंड्स अभी हम अशोक मार्ग पे आ चुके हैं, और राइट साइड में आप देख सकते हैं श्री राम टावर है, और लेफ्ट साइड में GST भवन है, और देख सकते हैं हम स्ट्रेट चलेंगे यहाँ से। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, राइट साइड में शक्ति भवन है, ये देखिए शक्ति भवन की बिल्डिंग है, एंड अभी हम यहाँ से स्ट्रेट चलेंगे फ्रेंड्स, निषादगंज तक हमको जाना है, और
देखिए ये ट्रैफिक का ऐसी हालत है यहाँ पे अभी लखनऊ में। अभी यहाँ से हम लेफ्ट साइड में जाएंगे तो सहारागंज मॉल के लिए जा सकते हैं, शाहनजफ रोड के लिए जा सकते हैं यहाँ से लेफ्ट लेके, बट हमें यहाँ से स्ट्रेट जाना है। देखिए लेफ्ट साइड में हमारे मारुति का शोरूम है, अशोक मार्ग वाला ब्राइट फॉर व्हील और गोल्ड रेस टाटा। स्ट्रेट चलेंगे हम यहाँ से, एंड ये स्ट्रेट हमें गोमती ब्रिज पे ले जाएगा। गोमती ब्रिज के बाद हमारा जो है निषादगंज ब्रिज आ जाएगा, तो वहीं तक का वीडियो रहेगा फ्रेंड्स आज का। और आज का वीडियो बनाने का मकसद था कि आपको अपडेटेड जो ट्रैफिक की कंडीशन है, जो आज से हमारा प्रॉपर अनलॉक हो चुका है, काफ़ी चीज़ों का रिलैक्सेशन हो चुका है, तो 5 जुलाई है आज, तो उसके हिसाब से मैंने आपको दिखाया। और अभी चलते हैं हम आगे की तरफ, यहाँ से भी आप लेफ्ट साइड लेके जा सकते हैं सहारागंज मॉल, और राइट लेके लोहिया पथ की तरफ या चिड़ियाघर के बैक साइड की तरफ जा सकते हैं। तो ये राइट साइड में देख सकते हैं ये सिकंदर बाग चौराहा है हमारा यहाँ पे, और अभी हम यहाँ से आगे चलेंगे फ्रेंड्स स्ट्रेट। ये सिकंदर बाग चौराहा है, आप ट्रैफिक देख सकते हैं, ट्रैफिक की कंडीशन बहुत ज्यादा ट्रैफिक है इस टाइम पे। और लेफ्ट साइड में आप अगर इधर से जाएंगे तो इधर भी रोड का कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, पीडब्ल्यूडी का कुछ काम चल रहा है। तो ये देख सकते हैं लोग गाड़ी भी पार्क करके इस तरीके से खड़े हुए हैं यहाँ पे, जिसकी वजह से और ज्यादा जाम लग रहा है। आइए चलते हैं आगे, और वीडियो कैसी लग रही है जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए फ्रेंड्स। बहुत मेहनत से हम लोग वीडियो बना रहे हैं, और सब्सक्राइब करिए हमारे एफर्ट को। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अप्रिशिएट करिए, हमें अच्छा लगता है काफ़ी, तो बहुत सारे लोग करते भी हैं, सो थैंक्स बहुत उसके लिए। और अभी हम चल रहे हैं अपनी किया सेल्टोस में, देख सकते हैं आप। तो मैं किया सेल्टोस का भी आपको डिटेल बता दूंगा कि कितना मुझे एवरेज मिला इस कंडीशन में। तो लाइए मैं आपको दिखा भी देता हूं अभी एक फिलहाल, तो ये देख सकते हैं आप फ्रेंड्स अराउंड 14-15 का एवरेज मिल रहा है हमको, तो ऑलमोस्ट 15 का एवरेज इस कंडीशन में मुझे मिल रहा है, 14.7 अभी डाउन हो गया था काफी देर से हम लोग खड़े थे। तो ये लक्ष्मण मेला स्थल के लिए रोड लेफ्ट साइड में गई हुई है, आप देख सकते हैं ये ढलान पे लक्ष्मण मेला स्थल है। तो अभी हम चलेंगे यहाँ से आगे, और ये हमारा बटलर वाला फ्लाईओवर है, राइट साइड में जो रोड गई है वो आपका बैकुंठ धाम होते हुए लोहिया पथ के लिए जाएगी, ऊपर से आप देख सकते हैं बटलर फ्लाईओवर। और ये हमारी गोमती नदी का ब्रिज आ चुका है, तो देख सकते हैं यहाँ पे थोड़े वेंडर्स हैं जो ठेले पे लगे हुए हैं, आम और ये सब चीजें बिक रही हैं, फल बिक रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से फ्रेंड्स अगर आप लेफ्ट लेंगे तो 500 मीटर्स टर्न लेफ्ट ऑनटू नवाब ग्याजन फॉर हुसैन खान मार्ग। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ से हम लेफ्ट लेंगे तो उधर की तरफ जा सकते हैं आप, आप देख सकते हैं सामने हम निषादगंज पहुंच चुके हैं ऑलमोस्ट, और सामने वो निषादगंज वाला पुल है, वो पुल आप चढ़ के क्रॉस करेंगे, ये लाइट के बाद एक ब्रिज आएगा तो उसको आप चढ़ के क्रॉस करेंगे तो आप सीधे पहुंच जाएंगे महानगर की तरफ। एंड यहाँ पे लेन सिस्टम है, फर्स्ट लेन, सेकेंड लेन, थर्ड लेन, इस तरीके से, बट ट्रैफिक आप देख रहे हैं कि लोग अभी भी चले जा रहे हैं, रेड लाइट में भी जा रहे थे, अब ग्रीन हुआ है, तो ये चीज थोड़ा सा देख सकते हैं आप, अभी भी यहाँ पे लाइट वो हो चुकी है तब भी लोग उस साइड से भी आ रहे हैं, तो जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। मैं बार बार अपने वीडियोस में यही कहता हूँ कि अपनी सिटी को सेफ बनाइए, लोगों के सामने प्रेजेंटेबल रहे। तो ये फ्रेंड्स अभी हम पहुंच चुके हैं निषादगंज मार्केट है ये, एंड आज का वीडियो फ्रेंड्स हमारा यहीं तक का है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और
बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप टू सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।